इसको ब्लेंड करने के बाद अच्छे से मैं कंसीलर को सेट करूंगी और मैं प्रेस पाउडर यूज कर रही हूँ। आप लाइट कलर का आई शैडो भी यूज कर सकते हैं। कंसीलर को सेट करना बहुत जरूरी होता है, उससे जब आप कोई भी आई शैडो अप्लाई करेंगे ऑन टॉप ऑफ इट वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। आई मेकअप के लिए मैं 4 किलो की पैलेट यूज कर रही हूँ और सबसे पहले मैं ये वाला कलर लूंगी। और ब्रश के लिए आपको एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश यूज करना होता है और मैंने अलग से वीडियो की है कि आपको कितने ब्रशेस चाहिए एक परफेक्ट आई मेकअप के लिए, तो वो वाली वीडियो मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर चेक करें। तो इस तरह का फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश आप जरूर इन्वेस्ट करें, इससे आप बहुत ही इजीली अपने आई शैडोज को ब्लेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपके आई मेकअप के लिए होता है टू डिफाइन योर क्रीज। तो क्रीज को डिफाइन करने के लिए आप ट्रांजिशन कलर अप्लाई करते हैं सबसे पहले, और हमेशा लाइट कलर से शुरू करें। आप कोई भी आई मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं हमेशा आप लाइट कलर यूज करें और आहिस्ता आहिस्ता आप कलर की इंटेंसिटी डार्क करें ताकि अपनी क्रीज को डिफाइन कर सकें। तो इस तरह से आप ब्रश को बैक एंड फोर्स करें, उससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट पैलेट में से मैं थोड़ा सा और डार्क आई शैडो ले रही हूँ और फिर से हम अपनी क्रीज को ही अभी डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इससे आपका जो पूरा आई मेकअप होता है वो बहुत ही ग्रेडियंट लुक लगता है। तो इसलिए आप हमेशा लाइट कलर से शुरू करते हैं। तो मैं फिर से